गुड मॉर्निंग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम करेंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। इससे पहले हमने किया था कि वाष्प दाब में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अगर हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या होता था, बढ़ जाता था, यानी कि क्या हो जाती थी, वृद्धि। तो उस वृद्धि को हमने क्या कहा था कि वाष्प दाब में उन्नयन। यहां पर क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है, हिमांक मतलब जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक क्या होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक का या शुद्ध द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक। यानी कि जब द्रव किस में बदल जाता है, ठोस में, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक। हमें पता है कि ठोस का वाष्प दाब द्रव से क्या होता है, कम होता है। वाष्प दाब उन्नयन में हमने क्या किया था कि जब द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब एक वायुमंडल की दाब के बराबर हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, द्रव गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में। जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्या कहते थे, उसका क्वथनांक। ठीक है, हिमांक क्या होगा, अब हमें पता है कि द्रव की तुलना में ठोस, उसके ठोस का वाष्प दाब क्या होता है, उससे कम होता है। तो जिस ताप पर द्रव अवस्था का, द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। और उस ताप पर क्या होगा, वो द्रव है वो किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो हिमांक को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब मान लिया ये हमारे पास कोई द्रव है, ये उसका वाष्प दाब है, ठोस का वाष्प दाब, इसके ठोस का वाष्प दाब क्या होगा, इससे कम होगा। ठोस अवस्था का वाष्प दाब मान लिया कितना है, ये किसका वाष्प दाब हमारा, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ये किसका वाष्प दाब है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब। ये कैसा है, द्रव कैसा है, शुद्ध, शुद्ध द्रव है। अब जब हम इसका तापमान कम करेंगे, तापमान कम करेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होता है। और कम होता 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 जब इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो जाएगा, इसकी ठोस प्रावस्था के बराबर, तो ये द्रव हमारा किस में बदल जाएगा, ठोस में। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका हिमांक बिंदु। ये क्या होगा, इसका हिमांक। मान लिया हमने कितना तापमान कम किया, इसको किससे डिनोट कर दिया अपन ने, टी नोट एफ। तो ये टी नोट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। ये शुद्ध विलायक ले रखा हमने, शुद्ध द्रव। जब हम इसका तापमान कम करेंगे और जब इस बिंदु पर इसका तापमान ठोस अवस्था के ठोस के बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक, अब हमने क्या लिया, इस विलायक के अंदर क्या मिला दिया, एक अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो क्या बन गया, ये विलयन बन गया। तो उस विलयन का वाष्प दाब, अभी बताया था उससे पहले वाले उसमें लेक्चर में हमने,
वासुदाब में अपेक्षित सॉरी वासुदाब में 99 में कि शुद्ध विलायक का वासुदाब की तुलना में विलियन का वासुदाब क्या होता है उससे कम होता है, क्यों होता है वो कारण भी बताया था। तो ये तो हमारा शुद्ध विलायक है द्रव, अब हमने क्या लिया इसमें, ये क्या ले लिया एक विलियन, इसमें द्रव के अंदर हमने क्या मिला दिया NaCl मिला दिया तो क्या बन गया ये विलियन बन गया। तो इस विलियन का वाष्पदाब इस शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में क्या होगा, कम होगा। सपोज कहां पर है इसका वाष्पदाब, इसकी तुलना में यहां है कम है। अब जब हम इसका ताप कम करेंगे तो जैसे ही इसका ताप ठोस प्रावस्था के ताप को टच करेगा उसके बराबर होगा तो ये विलियन हमारा किस में बदल जाएगा, ठोस में। इसके ताप को कम करेंगे तो जैसे इसका वाष्पदाब ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर होगा तो ये हमारा विलयन किसमें बदल जाएगा, ठोस में। लेकिन यहां ताप क्या करना पड़ेगा, कम ताप कम करना पड़ेगा, यहां पर तापमान क्या था, ज्यादा कम करना पड़ा था। तो इस ताप को हम क्या कहेंगे, किस इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल टी एफ। तो ये डेल टी एफ क्या होगा, सॉरी टी एफ क्या होगा, ये विलियन का हिमांक, ये क्या होगा विलियन का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ताप कम है और ये ताप ज्यादा है, तो टी एफ टी नॉट एफ की वैल्यू जाता है किससे, टी एफ। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक क्या होगा, कम होगा। तो इसके ताप में जो ये कमी आई है, इस शुद्ध विलायक और विलयन के ताप में जो ये कमी आई है, इसके अंतर को हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन डेल टी एफ किससे लिखेंगे उसको, डेल टी एफ किसके अंतर के बराबर होगा, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, इन दोनों के अंतर जो जितनी कमी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का हिमांक। तो ये कितना होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक में से हम किसका हिमांक माइनस कर देंगे, विलयन का हिमांक। तो क्लियर है, वाष्पदाब में अपेक्ष वाष्पदाब में उन्नयन, उन्नयन क्या होगा, जो शुद्ध हमारा विलायक है उसकी उसको जब हम गर्म करेंगे तो उसका वाष्पदाब ताप बढ़ेगा, और जब उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो ये हमारा शुद्ध वाष्प है, शुद्ध जो द्रव है वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में। तो उस ताप को जब हमारे शुद्ध वाष्पदाब शुद्ध विलायक है उसका वाष्पदाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो गया तो उस ताप को तो हमने क्या कहा था, क्वथनांक उसका। या अगर विलयन है कोई भी द्रव है तो अगर उस द्रव का वाष्पदाब जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा वाष्पदाब, और जब उसका वाष्पदाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो गया तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक, राइट। शुद्ध द्रव है या कोई भी द्रव है हमारे पास विलयन है तो जब हम इस द्रव के तापमान को कम करेंगे, तापमान को कम करेंगे तो वाष्पदाब क्या होगा, कम होता जाएगा। और जब इस द्रव का वाष्पदाब इसके ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर हो गया, जब तापमान कम करेंगे तो जिस ताप पर इस द्रव का वाष्पदाब ठोस प्रावस्था के वाष्पदाब के बराबर हो गया तो उस ताप को हम क्या कहेंगे, इसका हिमांक, क्या कहलाएगा ये, उसका हिमांक, ठीक है। तो ये हिमांक और क्वथनांक,
क्वथनांक में हम ताप बढ़ाएंगे द्रव का, तो द्रव का ताप कहां पर पहुंच जाएगा, जब वायुमंडलीय दाब के, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया उस ताप को तुम क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक। और जिस ताप पर जब हम उसका ताप कम करेंगे, तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया उस ताप को हम क्या कहेंगे, उसका हिमांक। ठीक, तो यही हमने परिभाषा दे रखी कि किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो वो तो क्या कहलाता है, उसका हिमांक। अब हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी, कमी क्या होगी, शुद्ध विलायक के तुलना में हमें विलयन का तापम ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए कम तापम डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोल देते हैं, किसी शुद्ध द्रव में किसी अवाष्पशील विलेय को घोल दिया, जैसे शुद्ध द्रव में क्या घोल दिया हमने, NaCl, क्या घोल दिया उसमें NaCl। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोल देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, तो ये जो विलयन बना इसका वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, होगा कि अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। तो जो ये हमारा विलयन है ये विलायक की तुलना में कम ताप पर जमेगा, तो तापमान कम ताप पर जमता है। तो हिमांक में कमी को, हिमांक में जो ये कमी हुई है, तापमान कम हुआ है जितना, इस ताप को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक का अवनमन। और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल टी एफ। तो ये डेल टी एफ क्या होगा, शुद्ध विलायक का ताप, कौन सा ताप, जो उसको ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए कम करना पड़ता है, माइनस उसमें से किसका ताप माइनस कर देंगे, विलयन का ताप, कौन सा ताप, जो उस विलयन के वाष्प दाब को ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए कम करना पड़ता है, उस ताप को जब हम उसमें से माइनस कर देंगे तो इन दोनों का जो अंतर होगा उस अंतर को हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब हो गया यार क्या है, क्या बताया था, अवनमन मतलब कमी, अवनमन का मतलब होता है कमी। और ये कमी किसके ऊपर निर्भर कर रही है, उस विलयन में मिलाए गए विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगी, किसके ऊपर निर्भर करेगी, कि उस शुद्ध विलायक में मिलाया गया विलेय वो कितना मिलाया है, उसकी मात्रा कितनी है। जब ये उसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा गुण है उसका, अणु संख्य गुण धर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक, सॉरी हिमांक में अवनमन। थैंक यू।